छत्तीसगढ़ के केशकाल के मारी क्षेत्र में आजादी के 72 वर्ष के बाद भी विकास की दृष्टि से कार्य शून्य है। आपको बता दें कि पथरीली पहाड़ी क्षेत्र एवं बॉक्साइट पत्थर होने के चलते यहां रहने वाले करीब 12 से 15 गांव के वनवासी पीढ़ियों से झरियां एवं नाले का पानी पीने में मजबूर थे। मारी क्षेत्र में वनवासियों को पेयजल की गंभीर समस्या की जानकारी जैसे ही कोंडा गांव जिले के संवेदनशील कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को मिली तो उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों को लेकर मारी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं से रूबरू हुआ। इस दौरान लोगों ने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीण एवं वनवासी पिछले कई पीढ़ियों आजादी के पहले एवं आजादी के बाद से अभी तक झरिया एवं नाले का पानी पीकर अपना काम चला रहे हैं। गंदे पानी को पीने के चलते लगातार क्षेत्रवासी विभिन्न संक्रमण बीमारियों से भी हताश एवं परेशान रहते थे। क्षेत्रवासियों द्वारा श्री नीलकंठ टेकाम कलेक्टर कोंडा गांव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए निवेदन किया गया कि क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल कुआं निर्माण कराने के साथ इस क्षेत्र के आवागमन के लिए सड़क निर्माण करवाई जाए। जिसे सुनने के उपरांत आदिवासी क्षेत्र के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से पट लिखकर कलेक्टर बने श्री नीलकंठ टेकाम को वनवासियों के पीड़ा को समझने में समय नहीं लगा, जिन्होंने तत्काल जिला खनिज न्यास की निधि से रोजगार गारंटी के तहत मारी क्षेत्र के कुएं मारी, चेरबेड़ा, कुमुद, मिठे, भंडारपाल, माटगांव, ऊपरवेदी, बेड़म्मा मारी तथा राव बेड़ा क्षेत्र सहित कुल 112 नवीन कुआं बनाने को स्वीकृति दिलवाई है। आपको बता दें कि अब कुआं बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। कलेक्टर जिला कोंडा गांव के प्रयास से मारी क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी, जिसको लेकर लोग खुश हैं और वह कलेक्टर का आभार भी जता रहे हैं। सरपंच सगावती मंडावी ने जानकारी दी है कि कलेक्टर के प्रयास से पीढ़ियों से झरिया एवं नाला के पानी पीने वाले वनवासियों के लिए कुएं का निर्माण रोजगार गारंटी के तहत किया गया है, जिसमें ग्रामीण जनों में अधिक उत्साह देखा गया। केशकाल से संवाददाता राजेंद्र गाड़े की विशेष रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।